तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गलतियां तो हर इंसान से होती ही हैं, लेकिन उस गलती के बारे में आप क्या कहेंगे कि जिस गलती ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। आज हम आपको एक ऐसी ही हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसके खौफनाक अंजाम ने पूरी दुनिया को एक सबक दे दिया है कि खुदा ताला ने किसी चीज को बेकार नहीं बनाया। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों का ईमान इस बात पर मजीद पुख्ता हो जाएगा। मगर इस अहम तरीन वीडियो का आगाज करने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले YouTube के इस मुनफरिद को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज की इस अहम वीडियो का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, चाइना आज के दौर में दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क भी है। चाइना को हर दिन नित नई इजादात के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है। इसके अलावा चाइना को मदरलैंड ऑफ रोबोट्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए चाइना ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है? इस मकाम को हासिल करने के लिए कितने ही लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं? दोस्तों, इस वाक्य का आगाज कुछ यूं होता है कि 1958 में चाइना के सरबराह माओ ज़ेडुंग ने यह फैसला किया कि चीन को भी अमरीका और यूरोप के ममालिक जितना एडवांस बनाया जाएगा, क्योंकि उस दौर में ये दोनों खित्ते सबसे ज्यादा एडवांस और ताकतवर थे। इसलिए माओ और उनके मानने वालों ने कहा कि आने वाले 15 सालों में चाइना को इस काबिल बनाया जाए कि वो अमरीका और यूरोप को पीछे छोड़ दे। माओ, जिन्हें मुन्ती नून के नाम से भी याद किया जाता है, उन्हें चीन का इनकलाबी सदर भी तस्लीम किया जाता है। ये भी कानून फितरत है कि गलतियां सभी से होती हैं, और माओ से भी एक बहुत ही बड़ी गलती उनके एक फैसले की शक्ल में सरसद हुई। अमरीका और यूरोप से आगे बढ़ने की चाह में माओ ने एक मुहिम का आगाज किया। उस मुहिम को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दे दिया गया, जिसका उर्दू में तर्जमा किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आगे की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मुहिम चाइना के लिए तबाहकुन साबित होगी। उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दर हकीकत माओ का मानना था कि चीन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी तरक्की का राज है। उनके मुताबिक अगर इस बढ़ती हुई आबादी की अच्छे तरीके से नशोनुमा की जाए तो आगे चलकर चाइना के तरक्याती काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने चाइना की जमीन पर ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाने के लिए हुकूमती सतह पर बहुत से इकदाम किए, और एक ऐसी हैरानकुन मुहिम का आगाज किया गया जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की मौत की वजह बनी। इस मुहिम का ताल्लुक 4 जानवरों से था, जिनमें मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़िया शामिल थी। माओ का मानना था कि ये चारों हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए इन्हें मार देना चाहिए। हमारा मुल्क इन जानवरों के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि चाइना के साइंसदानों ने एक हिसाब लगाकर कहा था कि एक चिड़िया पूरे साल में 4 से 5 किलो तक अनाज खा जाती है और बहुत से फलों को खराब करने का बायस भी बनती है। इसलिए अगर इन चिड़ियों को मार दिया जाए तो इंसानों के खाने के लिए अनाज बहुत वाफिर मिकदार में बच जाया करेगा, जिसे दूसरे ममालिक को बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए माओ ने इन मासूम परिंदों को मारने के लिए एक मुहिम का आगाज किया, जिसका नाम ग्रेट स्पैरो हंटिंग रखा गया। लेकिन ये मुहिम से ज्यादा उन 4 जानवरों के खिलाफ जंग बन चुकी थी, क्योंकि उन मासूम जानवरों को मारने के लिए ना सिर्फ आम लोगों का बल्कि फौज का सहारा भी लिया गया। नाज़रीन ग्रामी, इस मुहिम का सबसे ज्यादा शिकार मासूम चिड़ियों को बनाया गया। उनको मारने के लिए आम लोगों को कुछ तरीके सिखाए गए और उनको कई ग्रहों में भी बांट दिया गया, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा चिड़ियों को मार सके। इन चिड़ियों को पकड़ने के लिए जोर जोर से ढोल बजाए जाते, ताकि ये डर के मारे कहीं बैठ ना जाए। जब चिड़िया थक हार कर नीचे गिरती तो उन्हें पकड़कर मार दिया जाता। इस मुहिम में मौजूद लोगों ने चिड़ियों के अंडे और घोंसलों तक को नहीं बख्शा। ये मुहिम इस शिद्दत से शुरू की गई कि पहले ही दिन 2 लाख चिड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया। चीनी कौम उनको मारने की खुशी में उनके हार बनाकर अपने गले में पहनने लगी। चाइना को अमेरिका से भी एडवांस बनाने की सोच ने चाइनीज अफराद को चिड़ियों के शिकार का पागलपन की हद तक जनूनी बना दिया था। इस मुहिम ने सिर्फ 2 सालों में चीन से चिड़ियों का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया। चीनी कौम ने इस मुहिम के दौरान चिड़ियों के अलावा कई और परिंदे भी मार गिराए, जिसकी वजह से चीन से कई परिंदों का खात्मा हो गया।
जिसके बाद चीन के बुरे दिनों का आगाज हो गया। 1960 तक चाइना ने चिड़ियों को मारने की मुहिम में मुकम्मल तौर पर कामयाबी तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस मुहिम ने कुदरत के तवाजुन में बिगाड़ भी पैदा कर दिया था। देखा जाए तो चिड़ियां या दूसरे परिंदे अनाज या फिर फल ही नहीं खाते, बल्कि कीड़े मकौड़ों को भी अपना शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से निजामे कुदरत मुतासिर नहीं होता। ये एक साइकिल है जिसकी मदद से इंसान को कई फवायद हासिल होते हैं। ताहम चाइना के इनकलाबी रहनुमा माओ से ये बड़ी गलती हुई। इस मुहिम ने चाइना के लिए कई मुश्किलात खड़ी करना शुरू कर दी। चिड़ियाओं के खात्मे के बाद नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकौड़ों की तादाद में इस कदर तेजी आई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नाज़रीन ग्रामी, इन हशरातुल अर्ज में टिड्डी दिल की तादाद में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ। ये टिड्डियां करोड़ों की तादाद में आती और पूरी फसल को मुकम्मल तौर पर तबाह करके चली जाती। इस मुहिम से पहले टिड्डियों के इतने बड़े हमले चीन के लोगों ने कभी नहीं देखे थे, क्योंकि जिन चिड़ियों ने उन्हें रोक रखा था उनके खात्मे के बाद इन्हें काबू में करना नामुमकिन हो चुका था। ये टिड़ियां रात में हमला आवर होती और कई हजार एकड़ पर खड़ी फसलों को कुछ ही घंटों में चट कर जाती। चीन के लोग अपनी इस तबाही को अपनी आंखों से देखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। करोड़ों की तादाद में मौजूद इन टिड्डियों को रोकने के लिए कई कोशिशें की गईं, लेकिन कोई भी तरीका कारगर साबित ना हुआ। उल्टा जो दवाइयां फसलों को उन टिड्डियों से बचाने के लिए दी गई थी, उनकी वजह से मजीद फसलें तबाह होना शुरू हो गई। इसके बाद चीन के हालात इस कदर खराब हुए कि चीनी कौम को खाने के लाले पड़ गए और भूख की वजह से लोगों की जाने जाना शुरू हो गई। जब माओ को इस बात का एहसास हुआ कि तमाम परिंदे इन कीड़ों मकौड़ों को खाकर कुदरती निजामे जिंदगी को मुतवाजन रखते हैं, तो उन्होंने इस मुहिम को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म जारी किया, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुदरती निजाम में जो बिगाड़ हजरत इंसान ने अपने हाथों से पैदा किया था, उसे दुरुस्त होने के लिए एक लंबा अरसा दरकार था। कुछ खाने को न होने की वजह से लोग भूख के मारे मरने लगे। कहा जाता है कि 1958 से लगातार 3 सालों यानी 1961 तक कमोबेश 3 करोड़ लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हुकूमत ने मरने वालों की तादाद बहुत कम बताई थी। उस वक्त तकरीबन 4,50,00,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नाज़रीन गिरामी, इस कहत को चाइना की तारीख का बदतरीन कहत कहा जाता है। तारीख की कई कुतुब में इस कहत की हौलनाकियों को दर्ज किया गया है। माओ की गलती ने चाइना में वो कहर ढाया जिसको सोचकर ही इंसानी रूह कांप जाती है। भूख से बिलक बिलक कर जान देने वाले अफराद की अजियत को तसव्वुर में लाकर ही उस दौर की तबाहकारियों को समझा जा सकता है। चाइना के एक न्यूज रिपोर्टर ने इस कहत की मंजरकशी अपनी किताब में की। ये रिपोर्टर 1940 में चीन में पैदा हुआ। क्योंकि उन्होंने तमाम वाकयात को जिंदा आंखों से देख रखा था, यही वजह है कि उनके अल्फाज को आज भी याद किया जाता है। अपनी किताब में चाइनीज रिपोर्टर यंग जी शेंग ने लिखा है कि इंसान कभी कुदरत के असूलों को नहीं समझ सकता। बेशक इंसान कम अकल है, और चाइना के कहत में माओ ने जो गलती की, उसे तारीख इंसानी की बदतरीन गलतियों में शुमार न करना अपने आप में एक बड़ी गलती है। इसके अलावा वो इस किताब में कई तल्ख हकीकतों से भी पर्दा उठाते हैं। किताब के मुताबिक 3.6 करोड़ लोग इस कहत की वजह से मारे गए थे। दिलचस्प बात यह है कि चाइनीज हुकूमत ने इस किताब पर बैन लगा दिया था, तहम कई सालों बाद इसे फिर से पब्लिश कर दिया गया है। दर हकीकत ये आफत इंसान के अपने ही एक गलत फैसले की वजह से नाजिल हुई थी। ये एक ऐसी भूल थी जिसने करोड़ों मासूम लोगों की जान ले ली थी। चीन की ये तबाही दुनिया भर के लिए एक सबक है कि कुदरत के काम में खलल डालने से किस कदर खतरनाक असरात मुरतब हो सकते हैं। इसलिए हमें कुदरत के कामों को उसी पर छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में कुरान पाक की एक आयत में वाज़े तौर पर अल्लाह ताला का फरमान है कि हमने किसी चीज को बेकार पैदा नहीं किया। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक जरूर हासिल हुआ होगा, और आप लोग भी कभी कुदरत के कामों में रुकावट बनने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि अगर आप अपने माजी से कुछ सबक हासिल नहीं करेंगे तो आपका माजी अपने आप को दोबारा दोहरा सकता है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगेबान।